तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आइए दोस्तों आपके लिए एक और बहुत ही दोस्तों प्राइम लोकेशन पे, सेक्टर 123 बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ ही। हाँ, ये जो दोस्तों लोकेशन पड़ती है 123 और 125 के बिल्कुल सेंटर में पड़ती है, और यहाँ पे आपको दिखाने वाले 114 गज में बनी हुई 4 BHK डबल स्टोरी कोठी और गेटेड सोसाइटी में। तो ये देखिए एक बार इसका एलिवेशन, बहुत प्यारा एलिवेशन है। और दिवाली तक की दोस्तों इसमें स्पेशल आपको एक स्कीम भी मिल जाती है। आपको अंदर जाके बताऊंगा कि आपको इसमें कुछ फर्नीचर भी फ्री मिल जाता है। तो दिवाली तक है, उसको बिल्कुल मिस ना करें, जल्दी से एक बार इसको कॉल करें हमें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, और विजिट ज़रूर कर लें। इसमें दोस्तों आपको 4 BHK आज हम ये टूर करने वाले हैं, 4 BHK और 3 BHK दोनों मिल जाएंगे। अभी हमारे पास ये सारी दोस्तों ईस्ट फेसिंग का यूनिट है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। आप इसको एक बार जल्दी से हमें कॉल करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, और विजिट जरूर प्लान करें। तो आइए चलते हैं फिर इसके अंदर। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं दोस्तों, ये आ जाती है हमारी पार्किंग। पूरे पार्किंग एरिया में आपकी एंट्रीस की टाइल्स लगी हुई हैं, और अगर मैं पार्किंग एरिया के साइज़ की बात करूँ, 12x9 इसका साइज़ रहने वाला है। और यहाँ पर आपको साथ में मिल जाती है 2-व्हीलर पार्किंग, इसका दोस्तों साइज़ रहने वाला है 13x4.6 का। तो ये हमारी पार्किंग और डबल स्टोरी दोस्तों, जैसे मैंने बताया स्टेयर केस आपको बाहर से मिलती है स्टील रेलिंग के साथ, रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको ऊपर कंसील लाइट्स मिल जाती हैं, और 114 का साइज है दोस्तों। जैसे आपको पता है दिवाली टाइम चल रहा है, दिवाली तक दोस्तों आपके लिए गिव वे ऑफर चल रही है, आपको ये वाली स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। आपको क्या करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव और ग्रुप्स में, आपको फेसबुक, इंस्टा, आपको व्हाट्सएप चैनल दोस्तों वहाँ पे शेयर कर देना है। बहुत अच्छा, आपको ये डेली हम 2 स्मार्ट वॉच दोस्तों विनर्स को देने वाले हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो डिटेल भेजनी है, कहाँ कहाँ आपने शेयर करी, और दोस्तों आप एलिजिबल हो जाओगे स्मार्ट वॉच के लिए भी। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसका बहुत हैवी एंट्रेंस डोर स्मार्ट लॉक के साथ, ये आपका स्मार्ट लॉक इंक्लूड रहने वाला है। और जैसे ही आप अंदर आते दोस्तों, 32x64 डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। अब आपको दोस्तों मिलता क्या, ये आपका डाइनिंग टेबल और सोफ़ा सेट इंक्लूड नहीं है, बाकी आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए ये वॉल पे आपको बहुत प्यारे देखिए डिज़ाइन, ये आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। और ये देखिए आप फॉल सीलिंग जो देख रहे हो वो भी आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत बड़े साइज का देखिए दोस्तों आपको मिल जाता है ग्लास आपके सनलाइट के लिए और वेंटिलेशन के लिए। और अगर आपका, मैं आपको दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है 10x19 का। तो बहुत बड़े साइज़ का आपको ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाता है। और एक बार इस एंगल से देखिए व्यू, और यहाँ देखिए आपकी ये फैंसी लाइटिंग इंक्लूड नहीं रहने वाली, ये आपका टीवी पैनल, जी हाँ बिल्कुल आपको इंक्लूड मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगी वैनिटी, देखिए बहुत अच्छा प्यारा डिज़ाइन दोस्तों, बहुत रेयर होती है, मैंने नॉर्मली कहीं नहीं देखा है आपको ऐसा मिलता हो वैनिटी। और बिल्कुल इसी के साथ हमारा आ जाएगा ये पूरी दोस्तों मॉड्यूलर किचन। तो आइए, और अगर मैं मॉड्यूलर किचन की दोस्तों साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है 10x8 का, बहुत बड़े साइज़ की आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। और ये देखिए बहुत डिज़ाइनर आपका सिंक, ये देखिए ये आपके आरओ का दोस्तों पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको बहुत बड़े साइज की विंडो मिल जाती है सनलाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए, आपको पता चल जाएगा आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ये पूरा दोस्तों एल शेप में किचन, बहुत प्यारी ग्रेनाइट लगा हुआ है। दिवाली तक दोस्तों आपको ये चिमनी भी इंक्लूड रहने वाली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और ये देखिए आप किचन सारी सॉफ्ट क्लोजर के साथ, हर तरफ आप देखोगे बड़े बड़े आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज आपको किचन मिलेगी, और ये ऊपर ग्लास के साथ किचन, जैसे मैंने बताया चिमनी आपको इंक्लूड मिल जाएगी। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही सेम सिमेट्री के आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में। तो ये आ गया हमारा पहला बेडरूम, इसका जो साइज रहने वाला है 13.6x10.6 रहने वाला है। और इसमें दोस्तों ये आप जो बेड देख रहे हैं, ये आपको
इंक्लूड रहने वाला, वो भी सिर्फ दिवाली तक। तो इस पे देखिए एक बार फॉन्ट सेटिंग बहुत प्यारी, देखिए एलईडी लाइट्स को बहुत प्यारा यूज कराया गया है। और बात करूं यहाँ पे ग्लास के साथ दोस्तों वार्डरोब, वो भी रूफ लाइट्स था। और ये देखिए अंदर आपके सारे दोस्तों लॉकर भी पूछने गया है, आपके शू रैक भी अंदर ही आ जाएंगे। सेम दोस्तों सिमेट्री आपको डबल लैमिनेटेड। सेम दोस्तों मैचिंग करते हुए यहाँ पे आपका आ जाएगा टीवी पैनल, और यहाँ आने वाला है आपका विंडो वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए। तो इसी के साथ बिल्कुल दोस्तों हमारा आ जाएगा ये ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ हमारा आने वाला है वॉशरूम। तो आइए आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का व्यू। ये देखिए आपकी वॉल एंड सीट, आपकी वैनिटी, रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई है, सीलन पपड़ी का कोई इशू नहीं है, और जितनी फिटिंग सारी मिलने वाली है आपको जैक्वार ब्रांड की। और इस वॉशरूम का साइज रहने वाला 7x6 का। तो सारी फिटिंग दोस्तों जैक्वार ब्रांडेड, पूरा घर आपको 4 BHK जैसा आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट वैसा मिलता है। जो जो चीज़ें नहीं इन्वॉल्व हुई मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा सेकेंड बेडरूम। अगर आप ज़्यादा दोस्तों इसके एडवांटेज लेना चाहते हैं तो दिवाली से पहले इसको ज़रूर बुक कर लें। तो इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ 13.6x10.6 इसका साइज़ रहने वाला। अगेन दोस्तों ये जो बेड रहने वाला है ये आपको इंक्लूड मिल जाएगा। फॉल सीलिंग देखिए एक बार, बहुत ही प्यारी, देखिए डिज़ाइनर फॉल सीलिंग बहुत अच्छी। और अगेन यहाँ पे आपके आ जाएंगे वार्डरोब, वो भी रूफ हाइट तक, बहुत ज़्यादा स्पेस। देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ सेम इसके साथ ही मैच करता हुआ हमारा यहाँ पे आने वाला है टीवी पैनल। और इस रूम से आपको एक्सेस मिल जाता है रियर कोर्टयार्ड का। आइए पहले आपको रियर कोर्टयार्ड दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा आ गया रियर कोर्टयार्ड, और इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ 6.6x4.6 इसका साइज़ रहने वाला है। यहाँ पे आपको टैप की फैसिलिटी मिल जाएगी, आप अपनी वॉश मशीन यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके दोनों वॉशरूम की, दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन मिलती है। और ये हमारा रहने वाला है डक्ट एरिया। तो ये था हमारा रियर कोर्टयार्ड। ये आ गया हमारा दोस्तों ड्रेसिंग टेबल स्टोरेज के साथ। अभी इसको दोस्तों इसका हुक लग जाएगी तो ये इजीली खुल जाएगा। देखिए ये हमारी स्टोरेज आ जाएगी साथ में। और ये आ गया हमारा अटैच वॉशरूम। तो आइए देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू। 7.6x6.6 इसका साइज रहने वाला है। तो ये हमारी वैनिटी, आपकी वॉल एंड सीट, रूफ हाइट्स तक टाइल्स लगी हुई हैं, सीलन पड़ेगा कोई इशू नहीं। तो ये था ओवरऑल हमारा ग्राउंड फ्लोर का व्यू। तो चलिए क्योंकि 4 BHK घर है तो 2 BHK आपको ऊपर भी मिलता है। चलिए आपको भी दिखाता हूँ हमारे फर्स्ट फ्लोर का। अगेन स्टील रेलिंग के साथ है, और पूरे दोस्तों आपकी जितनी भी स्टेयर की है वो ग्रेनाइट लगा हुआ है। ये आगे हम अपनी फर्स्ट फ्लोर पे 11x4 इसका हमारे पोर्च एरिया का साइज रहने वाला है। तो ये हमारी एंट्रेंस आ जाती है फर्स्ट फ्लोर की। तो ऑलमोस्ट दोस्तों सेम सिमेट्री जैसे आपको नीचे मिलता है वैसे ही आपको यहाँ मिलने वाला है। ये देखिए सेम आपको डोर, सेम दोस्तों आपको ये लुक एंड फील, POP का काम, फॉल सीलिंग ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाली है। और अगर मैं आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया के साइज़ की बात करूँ इसका साइज आने वाला है 19x10 का। तो अगेन यहाँ पे बहुत बड़े साइज़ की विंडो आ जाती है सनलाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए। और बाहर आपको मिलने वाली दोस्तों एक बहुत बड़े साइज़ की बालकनी, आप एक बार देखिए उसका व्यू ग्लास के साथ। और अगर बालकनी के साइज़ की बात करूँ 19x4 इसका साइज रहने वाला है। तो आइए इस एंगल से देखिए पूरी एक बार फॉल सीलिंग का व्यू।
यहाँ पे बहुत बड़े साइज का आपको मिल जाएगा आगे टीवी पैनल, बहुत अच्छा बहुत बड़ा साइज। और यहाँ आने वाली आपकी ये देखिए, ये आपको स्पेस मिल जाएगी किचन की फॉल सीलिंग के साथ। सेम दोस्तों सिमेट्री जैसे हमें नीचे मिलता है बेडरूम, ये हमारा आ जाएगा थर्ड बेडरूम। आइए, इसका साइज रहने वाला है 13.6 × 10.6 का। तो देखिए फॉल सीलिंग आपकी सेम एज इट इज मिलने वाली है। और सेम दोस्तों जैसे हमारा नीचे पूरा डिजाइन है, देखिए ये आपके वार्डरोब आ जाएंगे। सेम मैच करता हुआ दोस्तों हमारा आ जाएगा टीवी पैनल। अगेन वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए यहाँ विंडो मिल जाएगी। और ये आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम। आइए आपको व्यू दिखाता हूँ वॉशरूम का। अगेन इसका जो साइज रहने वाला है 7x6 इसका साइज रहने वाला है। पूरा आपको वैनिटी वॉशरूम दोस्तों, वॉल एग्जिट सब कुछ रेडी करके भी दिया जाएगा। तो ये था हमारा अटैच वॉशरूम। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम में। तो यहाँ से हमारा एक्सेस आ जाता है फोर्थ बेडरूम का। अगेन मैं साइज की बात करूँ, 13.6 × 10.6 इसका साइज रहने वाला है। तो ये देखिए हैवी फॉल सीलिंग आपको इसमें भी मिल जाएगी। और ये हमारा दोस्तों सेम सिमेट्री के आ जाएंगे वार्डरोब। अभी इसको दोस्तों इनके वो हुक लगनी पेंडिंग है, तो जैसा हमने नीचे देखा था वही साइज का हमें वार्डरोब यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए सेम मैचिंग करता हुआ हमारा यहाँ आ जाएगा टीवी पैनल और आपका ड्रेसिंग टेबल यहाँ आ जाएगा। ये ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा और ये हमारेगा एक्सेस हमारे वॉशरूम का। तो आइए आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का व्यू। और इस वॉशरूम का साइज रहने वाला है अगेन 7x6 का। आपके वॉल एंड सीट वैनिटी सब कुछ दोस्तों वैसा ही मिलने वाला जैसे आपको नीचे मिलता है। डिजाइनर टाइप रूम वाइट सेट लगे हुए, तो बहुत अच्छा लुक एंड फील आ रहा है। इस रूम से आपको एक्सेस मिल जाता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। ये आ गया हमारा रियर कोर्टयार्ड, इसका साइज रहने वाला है 6.6 × 3.6 का। यहाँ देखिए आपको टैप की प्रोविजनिंग मिल जाएगी, आप अपनी चाहे तो वॉशिंग मशीन भी यहाँ लगा सकते हैं। अगेन आपके दोनों वॉशरूम की, दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन। और ये हमारा रहने वाला पूरा डक्ट एरिया। तो ये था दोस्तों 114 गज में बना हुआ ईस्ट फेसिंग ऑप्शन अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा 4 BHK यूनिट है, आपको 3 BHK चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। तो आइए आपको व्यू दिखाता हूँ रूफ का। तो यहाँ से हमारा एक्सेस आ जाएगा हमारी रूफ के लिए। आइए स्टेयर केस अगेन हमारी जाती है रूफ के लिए। और ये रूफ पे दोस्तों इसका जोरों शोरों से काम भी चल रहा है। तो ये देखिए, तो ये था दोस्तों हमारा 4 BHK इंडिपेंडेंट घर एक गेटेड सोसाइटी में। अगर आप इसकी दोस्तों शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज जल्दी से फॉलो कर लें। और अगर आप हमारे गिवअवे के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स शेयर कर दें, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं। और डेली 2 विनर्स को मिलने वाली है स्मार्ट वॉच। इसी के साथ सारी प्राइसिंग, सारी लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जरूर चेक कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।